लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी की 10वीं सूची में इन 5 प्रत्याशियों को मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 का टिकट पल्लवी पटेल को भी मिलने जा रहा है बड़ा मौका। आइए हम आप लोगों को एक एक करके नाम बताते हैं किसको कहां से मिलने जा रहा है टिकट, जिसमें जौनपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे लकी यादव। लकी यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। वही कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह पर रेखा वर्मा समाजवादी पार्टी की होंगी प्रत्याशी। रेखा वर्मा का कन्नौज लोकसभा सीट से नाम सबसे आगे चल रहा है। वही फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की इंडिया अलायंस की प्रत्याशी होंगी पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल को मिलने जा रहा बड़ा मौका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लेंगे बड़ा फैसला। पल्लवी पटेल ने अपने प्रत्याशी वापिस ले लिए, चर्चाएं हो गई थी कि समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल में एक बार फिर समझौता होने जा रहा है। वही मछली शहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी प्रिया सरोज। चर्चाएं थी कि समाजवादी पार्टी रागिनी सोनकर को प्रत्याशी बना सकती है मछली शहर लोकसभा सीट से, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। प्रिया सरोज को समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में मछली शहर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाने जा रही है। वही प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे गुलशन यादव। गुलशन यादव का प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से नाम सबसे आगे चल रहा है। चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से गुलशन यादव को 2024 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने जा रही है। ये थे ऐसे 5 प्रत्याशी जिनका नाम समाजवादी पार्टी की 10वीं सूची में आने वाला है। समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ा फैसला लेने वाली है।